कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें रास्तों की पहचान होती है। भव्य जागरण करवाते भैया, विघ्न आते होंगे जरूर, आते हैं विघ्न, आते हैं पता है मुझे, लेकिन मंजिल मिल ही जाती है क्योंकि मैया ने हाथ पकड़ के रखा है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें रास्तों की पहचान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब कक्षा 8 पास है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें रास्तों की पहचान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ लोग हार कर भी नहीं हारते क्योंकि पक्के इरादों में जान होती है, और ये पक्के इरादे उन्हीं को मिलते हैं जिन पर मैया मेहरबान होती है। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अजी मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदिया। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो, फूलों की दुकानें खोलो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अजी इश्क खता है तो ये खता तुम एक नहीं सौ बार। अब ऐसा वैसा वाला नहीं है, ठीक है, अच्छा वाला है, बताऊंगी कौन सा वाला है, बोलो सच्चे दरबार की। आइए सुनिए। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ माँ का, आदि शक्ति का, तत्पश्चात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी रचना करते, विष्णु जी पालन करते, शंकर जी संहार कर देते, बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद मृत्यु लोक में मनुष्य बनाए गए, हम और आप सारे अंग बनाए गए, ऐसे ही प्रभु हैं, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, हाथ और सबके अपने अपने कार्य हैं। अरे कल्लू यहाँ बबुआ आ जाओ, क्या बात है, ताली बजाओ। नाम क्या है? ब्रजेंद्र। क्या बेस है आवाज में ब्रजेंद्र भैया, अकेले आए हो कि मम्मी आई पापा आए? दोस्त आए, दोस्तन के संग आए, बैठ जा। बोलो सच्चे दरबार की, ध्यान से सुनो, मुंह और बचा हाथ, हाथ को हम प्यार से कहते पंजा, क्या? अब देखो भाव माँ के दरबार में रखना, हम किसी राजनीतिक दल से भैया नहीं आए हैं, क्योंकि ये माँ ने सारे अंग बनाए हैं और सब अंगों के अपने अपने कार्य, लेकिन ये हाथ, हाथ में 5 उंगली माँ ने इसलिए बनाई है ताकि इससे नए नए कार्य कर सके हम। वो कार्य कौन से माँ ने बनाए हैं, इस भजन के माध्यम से बताऊंगी। गीत का शीर्षक है पंजा। बोलो सच्चे दरबार की, एक बार हाथों को उठाई जो भजन सुन रहे हैं, बोलो सच्चे दरबार की, ये बात नीचे करिए। अब भजन में आइए, क्या कि 5 उंगलियों से पंजा बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जिस अंक पर कहोगे उस अंक पर भजन सुना दूंगी। 3 का अंक सुनना है तो YouTube में आप सुन सकते हैं, हम आज 5 का अंक सुनाएंगे पंजा। कि 5 उंगलियों का पंजा बना, क्या राज छिपा है पंजे में, और कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है, कि कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। Oh, oh, oh.
एक हाथ उठाओ, नीचे करो। तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा पंजा दिखा के, कोई बात नहीं जाओ। ये बताइए 4 बजे कौन उठता है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये दिन भर सोती रहती है। सुनो, जीवन अगर अच्छी तरह जीना है तो सुबह 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाया करिए, और उठने के बाद क्या किया करिए। सुनो, उठो सवेरे सर्वप्रथम पंजे को मिलाओ पंजे से, क्यों महालक्ष्मी महासरस्वती के 3.7 सेकेंड और महालक्ष्मी महासरस्वती के दर्शन पाओ पंजे से। उसमें साफ लिखा है क्या? कर मूले गोविंद विराजे। टाइम नहीं है मंदिर जाने का, तो जरूरत नहीं है। आप हथेलियों को देखिए, सारी शक्तियां आपके हाथ में है। बोलो सच्चे दरबार की। कर मूले गोविंद विराजे, प्रभु को उठाओ पंजे से, दिव्य अलौकिक शक्ति छिपी है भगत तुम्हारे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सार छिपा है पंजे में। आगे सुनाओ, सुन रहे हो तो लगाओ ताली। कहते ज्ञानी, कहते ज्ञानी, कहते ज्ञानी हर मानव आग छिपा। बेटा ये तुम्हारे दादा हैं,
के पैर छू लो तो लड़का कहता है व्हाट नॉनसेंस इडियट ब्लडी फूल। और फिर भी अगर वो पैर छूता है, नौजवानों आपके लिए, फिर भी अगर वो पैर छूता तो कैसे छूता है? अम्मा पाए लागू, जिज्जी पाए लागू, भैया ये पैर छू रहे हो कि का हमें खुद नहीं पता। नौजवानों अगर आशीर्वाद चाहते हो तो पैर हमेशा ऐसे छूना, कैसे? माता पिता के चरण छूओ तुम दोनों हाथ के पंजे से, और अगर कोई गलती हो जाए तो मम्मी के पास जाना और कहना मम्मी गलती का एहसास करो तुम, गलती का एहसास करो तुम, कान पकड़ लो बंदे दे। किसको ढूंढ रही हो कि कोई तुमको ढूंढ रहा है? मोबाइल से कांटेक्ट कर लो, बैठ जाओ, ताली बजाओ। ये सारी बातें भैया आपको पता थी, हमने कुछ नई नहीं बताई, लेकिन अब जो मैं बात बताऊंगी वो बिल्कुल नई होगी। क्या कहा? अब मैं जो बात बताऊंगी प्रिंस भैया वो बात बिल्कुल नई होगी। बताओ बताओ, ताली बजाओ। एक दो, दो एक दो तीन होता है।
हमारी आत्मा पवित्र होती है और जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो माँ हमको देखकर प्रसन्न हो जाती। बोलो सच्चे दरबार की।